हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। नाउ इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं भगत सिंह की बायोग्राफी की। आज जो है भगत सिंह का बर्थडे भी है, जो फेमस लीडर रहे, फेमस रेवोल्यूशनरी रहे हैं पूरे भारत में, जिनको शहीद के नाम से जाना जाता है। तो बेसिकली आज हम जो उनकी बायोग्राफी है उसको हम रिवील करेंगे कि उनकी बायोग्राफी कैसी थी, कैसा उनका जीवन था, कैसा उनका चाइल्डहुड था, कैसे किस चीज़ में उनको इंटरेस्ट था, किन लोगों को वो ज़्यादा पढ़ते थे। वैसे बेसिकली मैं आपको एक बात बता दूँ, एक चीज़ आपने बहुत सुनी होगी कि भगत सिंह जो थे वो बहुत किताबें पढ़ते थे, और ये बात बिल्कुल सही है। जब वो जेल में थे तो करीब उन्होंने 2000 किताबें पढ़ ली थी। जब मैं एक स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था, तो मुझे मेरे सर ने ये चीज़ बताई थी। और इसके अलावा अगर मैं और चीज़ बताऊँ आपको, तो जब वो जेल में थे तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो लिखी थी। अब वो डॉक्यूमेंट वहाँ उन्होंने जला दिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले नहीं, तो ऐसा कहा भी जाता है कि उन्होंने जो अपनी ऑटोबायोग्राफी है वो भी लिखी हुई थी जेल में, बट उनके जो पेपर्स हैं वो वहाँ पे जला दिए गए। तो ये सब चीज़ें जो हैं वहाँ पे हुई। और बेसिकली मैं आपको बताऊँ तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उनके चाइल्डहुड से लेके 1931 तक की जर्नी तक, जब 23 मार्च 1931 को जो है, आपको पता है 23 मार्च को जो है शहीद दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन जो है भगत सिंह को 1931 में जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी दे दी गई थी। तो उनके बर्थ से लेके हम बात करेंगे कि कहाँ से, किस तरीके से उनका जीवन शुरू हुआ, उनके माता पिता, उनका जन्म किस जगह पे हुआ, क्या उनकी थिंकिंग थी, वो एक्चुअल में क्या चाहते थे, उनके कैसे गांधी जी से क्या उनके डिफरेंसेस थे। तो इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल डिस्कशन करूँगा भगत सिंह की बायोग्राफी पे। वेल, वैसे ये पार्ट वन है, इसमें है दो पार्ट आएंगे, जो इसमें जो है हम पूरे भगत सिंह की जो बायोग्राफी है वो कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले चाइल्डहुड की बात करते हैं, तो बर्थ जो है 28 सितंबर 1907 को उनका बर्थ हुआ था। आज ही के दिन, आज 28 सितंबर है और आज ही के दिन जो है बर्थ हुआ था भगत सिंह का। बंगा एक जगह है यलपुर में, जो पंजाब में है, प्रेजेंट पाकिस्तान में आपको मिलेगी। तो बेसिकली वहाँ जो है बर्थ हुआ था जो भगत सिंह है उनका। इनके बचपन का नाम भगू था, तो सब इनको भगू भगू बोलते थे, भगू, तो इस तरीके से इनको बोला जाता था। फादर इनके किशन सिंह थे और मदर विद्यावती थी। नाउ देखिए, खुद फैमिली बैकग्राउंड की मैं बात करता हूँ, तो फैमिली में इनके सब रेवोल्यूशनरी थे। इनके जो अंकल्स थे, इनके चाचा थे, वो रेवोल्यूशनरी ही थे। पैसों की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ये बहुत अच्छे घर से थे, बहुत अच्छे परिवार से थे, क्योंकि इनकी जो खेती किसानी है वो बहुत ही थी। और जब इनको जेल में भी रखा जाता है तो इनकी जमानत के लिए बोलते, 50,000 रुपये रखे हैं तुम्हारी जमानत के लिए। तो भगत सिंह उसको जवाब देते हैं पुलिस ऑफिसर को कि तुम 50,000 के, अगर तुम 1,00,000 भी बोलते तो मेरे घर वाले तुम्हें दे के जाते। तो बेसिकली बहुत ही अच्छे परिवार से थे, और बचपन से ही ये गांधी जी के फॉलोअर रहे हैं शुरू से। जब इन्होंने देखा कि जैसे जैसे ये बड़े हुए, इन्होंने 1919 का जलियांवाला बाग देखा, उसके बाद से जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ, तो ये गांधी जी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। लेकिन एकदम से जो है ये फिर जो रिटर्न होता है जब ये गांधी जी से अलग हो जाते हैं, अभी नहीं बताऊंगा, आगे पूरा डिटेल में बात करूंगा मैं, अभी कुछ नहीं बताने वाला, अभी तो सिर्फ एक बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। तो फादर इनके किशन सिंह थे, वो मदर थी विद्यावती। अल देखिए, सबसे पहले बात, धीरे धीरे जब चीज़ें चालू हुई तो 1907 में इनका बर्थ हुआ, लेकिन उसके पहले इनका कांग्रेस में एंट्री कैसे होती है उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड में चलते हैं। तो आपको पता है 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म ये था कि 10 साल में इसको रिव्यू किया जाए, 10-10 साल में रिव्यू किया जाता था। 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था, 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था। रोलेक्ट एक्ट वो था, रोलेक्ट एक्ट ये कहता था, रोलेक्ट एक्ट ये कहता था कि किसी भी संदेह में व्यक्ति को बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के जो है पुलिस अरेस्ट कर लेगी। मतलब अगर शक है कि ये बंदा जो है, इस पे हमें डाउट है, तो बस डाउट के बेस पे जो है पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, और उसकी जमानत भी नहीं होगी। तो ये भी चीज़ थी, बिना किसी अपील, बिना किसी दलील के उसको क्या है, सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो यही था रोलेक्ट एक्ट। रोलेक्ट एक्ट आया, उसके बाद जलियांवाला बाग आया, जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। जलियांवाला बाग इंसिडेंट ये था कि इसी रोलेक्ट एक्ट के अंडर में, ये रोलेक्ट एक्ट जब आया तो रोलेक्ट एक्ट में ही सैफुद्दीन किचलू को पकड़ लिया था। अब सैफुद्दीन किचलू को छुड़ाने के लिए जो है मीटिंग बुलाई जाती है, कहां पे, जलियांवाला बाग अमृतसर में।
अभी प्रेजेंट में अमृतसर में ही है, उस समय भी अमृतसर में था। अमृतसर में है जलियावाला बाग, जलियावाला बाग में ही मीटिंग बुलाई गई। और जलियावाला बाग कुछ इस तरीके की जगह थी, उसमें एक ही गेट था, यहाँ पे आप एक गेट मान लीजिए, और यहाँ पे बीच में एक बहुत ही बड़ा जो था कुआं था, वेल था एक। तो जनरल डायर को पता चलता है कि यहाँ पे मीटिंग होने वाली है, ठीक है, पीसफुली मीटिंग थी, कोई आर्म्स का प्रयोग नहीं हो रहा था। लेकिन जनरल डायर है, जनरल डायर को खबर मिल गई। जनरल डायर ने जो है पूरे में गोलियां चलवा दी, गोलियां चलवाईं और काफी लोग मरे। एक ही रास्ता था, लोग भाग नहीं पाए, लोग कुएं में कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। हुआ क्या, उस कुएं में आज भी, प्रेजेंट अगर आज के दिन की आप बात करेंगे, तो आज भी उस कुएं में अगर पानी निकालते हैं तो खून की जो ड्रॉप्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। ये प्रेजेंट स्थिति आज भी है, और वहां पे पूरे मेमोरियल्स में गोलियों के निशान आज भी बने हुए जो जनरल डायर में चलाए थे। इसके लिए बाद में हंटर कमीशन बनाया गया, और भी बहुत सी जो है कमीशंस जो है इसको डिप्लॉय किए गए इन चीज़ों के लिए, कि कितने लोग मरे। एग्जैक्ट डाटा आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन हजारों लाखों की तादाद में लोग मरे थे, ये बिल्कुल है, क्योंकि इतनी बड़ी जगह थी, इतने सारे लोग थे वहां पे मीटिंग जो कर रहे थे। इसके बाद जो है जलियांवाला बाग के बाद भगत सिंह बहुत छोटे थे, और भगत सिंह खून तो रेवोल्यूशनर मतलब क्रांतिकारी का खून तो था ही। इन बिल्कुल शांत रहे, छोटे से भगत सिंह जलियांवाला बाग जाते हैं और वहाँ की जो मिट्टी है वो उठाते हैं, मिट्टी को एक बॉटल में भर के अपने घर में रख लेते हैं लाके, और बिल्कुल शांत रहते हैं, किसी से कुछ बात नहीं करते। घर वाले ढूंढते हैं कि भगत सिंह कहाँ गए, तो भगत सिंह आते हैं जब, और उस मिट्टी को रख लेते हैं एक कांच की बॉटल में, और रोज उसकी पूजा करते हैं, और अपनी माँ, अपनी जो उनकी जो माँ होती हैं उनसे कहते हैं कि ये जो है ये हमारे देश की मिट्टी है और ये हमारे लोगों की मिट्टी है। तो इस तरीके से थोड़े छोटे से बिल्कुल भगत सिंह अभी चाइल्ड ही, चाइल्डिश जो है उसी की बात कर रहा हूँ। 1907 में बर्थ हुआ, मैं बात 1919 ही कर रहा हूँ, मतलब समझ लीजिए 11 साल के हैं, 12 साल के हैं वो। तो बेसिकली इतना 12 साल की उम्र में उनमें ये जो है जोश था। होता क्या है, 1919 में जो जलियांवाला बाग होता है उसी के आंसर में रौलेट एक्ट जो हुआ और जलियांवाला बाग हो गया। अब गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है, कि बोलते ये लोग तो अब अति कर रहे हैं। गांधी जी बोलते रुको, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू कर देते हैं। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये था, देखिए ये सब लोग सोचते हैं कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहने की बात, नहीं कहने की बात ठीक है आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जो उस जमाने में जो होता था ना उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर गांधी जी खड़े हो जाएं तो समझ लीजिए बहुत बड़ी चीज़ है, वहां सभाएं शुरू हो जाती थी बिल्कुल, क्योंकि वो गांधी जी हैं, कि वो, और गांधी जी की ये स्थिति होती थी कि गांधी जी असम से जो है पैदल, अगर गांधी जी की तबीयत खराब है तो लोग असम से पैदल चलते थे गांधी जी को देखने के लिए। तो बेसिकली ये जो है चीज़ें थी उनमें, ये क्वालिटी थी उनमें, एक मतलब स्किल्स थी उनमें लोगों को एक मतलब एकजुट करने की। इसी के आंसर में, जलियांवाला बाग के आंसर में जो रोलेट एक्ट जो है, रोलेट एक्ट के आंसर में, जलियांवाला बाग के आंसर में जो है गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और इससे भगत सिंह बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब उनको लगने लगता है कि अब गांधी जी ने शुरू कर दिया तो अब हमको किसी भी तरीके से जो है आज़ादी मिल जाएगी, बिल्कुल अब आज़ादी हमको मिलना तय है। और भगत सिंह बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं, बिल्कुल खुश रहते हैं, सबको ये बोलते हैं दौड़ दौड़ के कि अब भारत आज़ाद हो जाएगा, अब हमें गोरों से छुटकारा मिल जाएगा। इस तरीके से कहानी और आगे बढ़ती है, गांधी बिल्कुल सबको लगने लगता है कि अब हमको इंडिपेंडेंस मिल जाएगा, गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया है। लेकिन होता क्या है, 19 ये ब्रिटिशर्स की किस्मत अच्छी थी, या उनके साथ ही ऐसा होता तो मुझे समझ में नहीं आता, उनकी शायद किस्मत अच्छी रही होगी। लेकिन अगर गांधी जी यहाँ से एक बैक नहीं लेते, तो समझ लीजिए अगर वो अपने एक कदम पीछे नहीं करते, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस नहीं लेते, तो आगे जो चीज़ें होनी थी वो नहीं। भगत सिंह जो है 1924 में HSRA नहीं बनाते, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो बेसिकली इन सब चीज़ों पे जो है अभी हम बात जो है वो करेंगे। तो 1922 में जो है चौरा चौरी इंसिडेंट होता है, चौरा चौरी इंसिडेंट होता है 1922 में, और यहीं पे जो है आपको पता है गोरखपुर में जो है ये बहुत ही बड़ा इंसिडेंट होता है, जहाँ पे पुलिस वालों को जला दिया जाता है। और इसके बाद जो है गांधी जी जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टॉप कर देते हैं। गांधी जी ये बोल देते हैं कि अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है मैं बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको जो है हिंसा नहीं करना है, हम शांति से, हम बिल्कुल पीस से जो है इस जो भी प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व करेंगे, लेकिन हिंसा नहीं, क्योंकि गांधी जी अहिंसावादी थे।
आगे जो है, लेकिन बेसिकली मैं आपको बता दूं कि ये चौरा चौरी जो केस हुआ था वहां पे लोग जो है पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले तो पीसफुली ही प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो पुलिसमैन थे, उन्होंने जो है पहले लाठी चार्ज की उन पे, फिर उनको जब समझ में नहीं आया, उनको जब लगा कि अब और जो है मामला बढ़ रहा है, तो उन्होंने फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो फायरिंग स्टार्ट की तो उसमें जो है उसके आंसर में जो है हमारे जो रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने जो है यहाँ पे जला दिया जो चौरा चौरी का पुलिस स्टेशन है वो। तो बेसिकली ये हुआ था, उस समय का केस ये था। देखिए यहीं से जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस शुरू हो गए थे गांधी जी के बीच में और भगत सिंह के बीच में। तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस दोनों के बीच में शुरू हो गए थे। क्यों? क्योंकि पहले जो थे गांधी जी के सपोर्टर थे भगत सिंह, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आ गया था, अब उनको लगने लगा था कि गांधी जी भी कुछ नहीं कर रहे, उनने भी अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा, हमें ही अपने कदम जो है वो आगे बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से थी ये उनकी आइडियोलॉजी थी। बात और आगे बढ़ती है, बात आती है 1923 की। 1923 में क्या होता है, 1923 में जो है ये कॉलेज में एडमिशन लेते हैं भगत सिंह, जो है अभी लाहौर में कॉलेज है, नेशनल कॉलेज जो है लाहौर में, वो ज्वाइन करते हैं वो। और पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि भगत सिंह को पढ़ने का बहुत शौक था और एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत आगे रहते थे, कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी वो बहुत आगे रहते थे। तो बेसिकली उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था स्टडीज़ में। गैरिबाल्डी को उन्होंने पढ़ा है, गैरिबाल्डी को पढ़ा उन्होंने, लेनिन को पढ़ा है, लेनिन बहुत ही फेमस थे, और बिस्मार्क वगैरह ये सब जो थे जो यूनाइटेड, जिन्होंने यूनाइट किया है ना उनको, वो अब्राहम लिंकन को बहुत पढ़ते थे। तो उनने काफ़ी लोगों को उन्होंने बहुत पढ़ा है, और नेल्सन मंडेला, तो बेसिकली वो काफ़ी लोगों को जो है वो पढ़ते थे। ये उनका जो है बेसिकली ये उनका बिल्कुल काम था, एक उनका शौक था पढ़ना, क्योंकि यहीं से उनको जब कोई उनसे मिलने भी आता था और वो कहते थे कि कोई मिलने आया है, जब वार्डन बोलता था कि आपसे कोई मिलने आया है, तो वो क्या कहते थे उस समय, वो किताब पढ़ते हुए ही मिलते थे और कहते थे कि एक रेवोल्यूशनरी दूसरे रेवोल्यूशनरी से अभी बात कर रहा है, दिखता नहीं है तुमको अभी। तो इस तरीके से उनकी आइडियोलॉजी की थी, ये तरीके से वो जो है ये एटीट्यूड था उनका। काफ़ी जो है समय जो जेल में है वो अपना पढ़ते हुए बिताते थे, और ऐसा मैंने सुना था, और जब मैं पढ़ता था तो मुझे बताया गया था कि 2000 किताबें जो थी वो जेल में पढ़ ली थी भगत सिंह ने। और भगत सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी वहीं जेल में, लेकिन वो जला दी गई है, जो भी हुआ तो उसके बारे में कोई एविडेंस नहीं है। वो बहुत ही इंस्पायर थे बहुत सारे लोगों से, जैसे मैंने आपको बताया लेनिन, लेनिन से वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। 1924 में क्या होता है, वो HSRA बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बनता है, फिर उसको बाद में HSRA बना दिया जाता है फिरोज शाह कोटला दिल्ली में। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया जाता है उसको बाद में, जो फिरोज शाह कोटला में उसका नाम चेंज किया जाता है। आगे चल के देखिए क्या होता है 1927 में, और यहीं पे आपको मैं बता दूं कॉलेज में ही ये 1923 में जब वो कॉलेज ज्वाइन करते हैं तो उसी समय कल्चरल एक्टिविटीज़ में वो पार्ट लेते हैं, और उसी समय उनको राजगुरु और सुखदेव का जो है उनका ग्रुप जो है पूरा बन जाता है एक, और वो बहुत अच्छे जो हैं दोस्त बन जाते हैं। तो बेसिकली वो प्रमोट करते हैं हमारा जो कल्चर है उसको प्रमोट करना चाहते हैं, हमारी जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। तो बेसिकली वो ये सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि उनको जो है अब समझ में आ गया था कि देश के लिए कुछ करना है और यहाँ के यूथ के लिए कुछ करना है, और आज़ादी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आगे का भविष्य है वो देख रहे थे, क्योंकि आगे जो प्रॉब्लम्स आने वाली थी वो भी वो देख रहे थे। तो बेसिकली यही चाहते थे कि अब हमें आज़ादी मिल जाए, और उसी के लिए वो पूरे प्रयास में लगे हुए थे। 1927 में क्या होता है, वो काकोरी केस में अरेस्ट होते हैं, काकोरी केस होता है उसमें उनको अरेस्ट किया जाता है। और देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, आइडियोलॉजिकल आपको थोड़े आइडियोलॉजी जो डिफरेंसेस हैं वो मिलेंगे, सोच में डिफरेंस मिलेगा भगत सिंह के और नेहरू जी के और गांधी जी के, लेकिन आप कभी ये नहीं सुनोगे कि भगत सिंह गांधी जी के बारे में ये बोल रहे हैं या गांधी जी भगत सिंह के बारे में ये बोले, नहीं, रिस्पेक्ट दोनों सब एक दूसरे की करते थे, क्योंकि सब रेवोल्यूशनरी थे, चाहे वो अहिंसा का मार्ग अपना रहे चाहे वो हिंसा का मार्ग अपना रहे, वो ठीक है, लेकिन है वो रेवोल्यूशनरी, इस देश के लिए ही वो कर रहे हैं। हाँ, तरीका गलत है, उनको ये लगता था
उनको ये लगता था कि इनका तरीका गलत है और उनको ये लगता था कि इनका तरीका गलत है। तो बेसिकली सिर्फ इतने ही डिफरेंसेस थे, बाकी और कोई डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था। आगे चलिए क्या होता है 1927 में। देखिए 1919 में रोलेक्ट एक्ट आया था और 1909 में आपको पता है मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म आया था। तो 1919 में मॉर्ले मिंटू रिफॉर्म को जो है 10 साल के, आपको पता है 10-10 साल में इनको रिव्यू करना था। तो 1919 में एक बार रिव्यू हुआ और 1929 को ये रिव्यू हुआ। तो 1927 में ये आ गया था, क्योंकि क्या है, चुनाव होने वाले थे कहाँ पे, इंग्लैंड में, तो वहां पे चुनाव होने वाले थे। 1927 में ही ये जो है रिफॉर्म आ गया था। तो बेसिकली इस रिफॉर्म में ये कहा गया था कि जो डोमिनेंट है, हम डोमिनेंट इंडिपेंडेंस आपको दे सकते हैं। मतलब ये पूरा भारत है, मान लीजिए इस तरीके का आपको पूरा भारत दिखेगा, ये पूरा भारत है, तो आप डोमिनेंट, आपका डोमिनियन रहेगा, हमारा राज रहेगा, यूके भी यहाँ रहेगा और कुछ जो हिस्सा है वो आपका रहेगा, कुछ हिस्सा जो है आपका अधिकार रहेगा उसमें। मीन्स जैसे अभी तक जम्मू कश्मीर था ना, उस तरीके का रहेगा भारत, जम्मू कश्मीर जैसे था वैसे ही रहेगा। मतलब वहाँ पे सब कुछ भारत का इम्प्लीमेंट होगा, बस कुछ पावर आपको दे दी जाएंगे। तो बेसिकली ये जो कहानी, जैसे अभी हांगकांग है, ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीज़ें थी। तो इस चीज़ को भगत सिंह ने जो है अपोज किया कि बोले नहीं, ये सब हमको नहीं चाहिए। नेहरू जी ने भी इसमें मना किया, स्वराज पार्टी बनी थी, स्वराज पार्टी ने भी जो है वो मना कर दिया कि नहीं, हमें चाहिए फुल इंडिपेंडेंस, स्वराज। स्वराज की मांग तो शुरू से ही थी, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है क्या, स्वराज। हम स्वराज ही चाहते हैं और आप जल्दी से जल्दी हमारा इंडिया छोड़ के चले जाओ, लीव माय कंट्री। ये बहुत ही फेमस जो है डायलॉग था भगत सिंह का, वो हमेशा बोलते थे लीव माय कंट्री। और जो डोमिनेंट, हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आप दे रहे हो हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आप यहां से निकल जाओ और हमको आजादी दे दो, बस खत्म। इतना ही चाहते थे वो कि हमें पूर्ण स्वराज मिले, फुल इंडिपेंडेंस हमें मिल जाए, सिर्फ इतना ही चाहते थे भगत सिंह। आगे जो है ये जो स्टेटमेंट है, जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे सब ने यही स्टेटमेंट दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारे देश से चले जाओ और हम अपना देश जो है संभाल लेंगे। तो बेसिकली ये जो चीज़ें थी, ये एक सिनेरियो था पूरा, जो भगत सिंह के चाइल्डहुड से शुरू होता है, जो 1907 में जब भगत सिंह का बर्थ होता है, तो 1907 से जो है 1924 तक, जब HSRA बनता है, तब तक की हमने जो है कहानी देखी है। आगे हम 1927 को जो है रिवील करेंगे, जब 1927 में सोरेंडस जो है उसको मार दिया जाता है। अभी तो 1927 में आएगा क्या, वाइट मैन कमीशन, जिसे आप कहते हैं साइमन कमीशन। तो जब साइमन कमीशन आएगा, तो साइमन कमीशन को वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। और इस कमीशन में ही तो जब भारत का कानून बनता रहता है, तो उस समय कहा जाता है कि इसमें कोई भी भारतीय क्यों नहीं है। कोई भारतीय ना होने के कारण जो है प्रोटेस्ट होते हैं, और प्रोटेस्ट होते हैं तो लाला लाजपत राय की जो है मृत्यु हो जाती है यहीं पे, और फिर उसके बाद जो है भगत सिंह जो है सोरेंडस को जो है वो गोली मार देते हैं। तो बेसिकली इस बात को भी हम दूसरे जो पार्ट होगा, पार्ट टू होगा इसका, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखते रहिए नॉलेज IQ, और अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।